वेलकम टू रंगीन रसोई। आज हम बनाएंगे सबसे इजी, क्विक और टेस्टी सैंडविच, यानी कि वेज मायो सैंडविच। हार्डली 10 मिनट लगेगी इसे बनाने में और आपके बच्चों को ये जरूर पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1 कप ग्रेटेड कैबेज, आधा कप चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम, 1/3 कप चॉप्ड कैरेट, 1/3 कप चॉप्ड ककड़ी। इसे हम पहले मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें आप प्याज और कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 ग्रीन चिली चॉप्ड करके ली है, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला भी मिलाएंगे, 1/2 चम्मच ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स 1/2 स्पून ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे वेज मेयोनीज, जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अभी 3 से 4 चम्मच मिला रही हूँ, जितनी ज़रूरत होगी उतना फिर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे हम इसमें। मिक्सचर स्प्रेड हो सके उतना ऐड करना है, सो इसमें 3 स्पून जितना और ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार है। अब हम लेंगे व्हाइट ब्रेड्स और ऊपर हम बटर स्प्रेड करेंगे। इस तरह अच्छे से सारे ब्रेड में हम बटर लगाएंगे। बटर को हम दोनों ब्रेड्स में स्प्रेड करेंगे। आप घर का बना हुआ मक्खन भी यूज कर सकते हैं। फिर ऊपर लगाएंगे ग्रीन चटनी, जो रेगुलर सैंडविच के लिए बनाई जाती है। चटनी है ये। एक ब्रेड पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसमें फिल करेंगे हमारा बनाया हुआ वेजिटेबल्स एंड मायो का मिक्सचर। साइड से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि ये मेल्ट होकर बाहर ना निकल जाए। आप चाहे तो इस स्टेज पर भी इसमें चीज ग्रेट कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे विद द सेकेंड ब्रेड और फिर ऊपर बटर लगाएंगे ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी बन जाए। ये तैयार है। ग्रिल मशीन को गर्म कर लेंगे और इसमें ये ब्रेड रख देंगे ग्रिल होने के लिए, जब तक ये अच्छे ब्राउन कलर के साथ ग्रिल ना हो जाए। तब तक हम दूसरी भी बना लेते हैं। बटर स्प्रेड करेंगे, फिर ग्रीन चटनी, स्प्रिंकल सम चाट मसाला, वेज मायो का मिक्सचर एंड डन। कवर करने के बाद ऊपर फिर एक बार बटर स्प्रेड करेंगे एंड ये भी तैयार है। जो फर्स्ट सैंडविच है वो तैयार है, सो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और दूसरी रख देंगे ग्रिल होने के लिए। इसे हम कट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है, एकदम क्रिस्पी सैंडविच बनी है। सो हम दूसरी भी सैंडविच तैयार हो जाए तब हम इसे निकाल कर सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है ये और बच्चों के साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी। जब आपके पास टाइम ना हो या बच्चे जिद करें तो आप इसे झटपट से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी और केचप के साथ। आप भी वेज मायो सैंडविच जरूर से एक बार ट्राई करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ रंगीन रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हैप्पी ईटिंग।